दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक है, अभी एक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास हैं, इन्हें हल कराना शुरू कर चुका हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके काम में आ रहे। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को जाता है, क्या ये सही है, और अगर हाँ तो कैसे। डिटेल करने वाले हैं, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्य में जो है वो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, मेरे साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मनुष्य में टोटल 46 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इनमें यानी टोटल कितने होते हैं, 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है भाई, इसमें 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम। 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम्स। 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी होते हैं यानी दो होते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन से होते हैं, एक जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए, यह है पुरुष और यह है महिला। ठीक है, एक है पुरुष एक है महिला, जरा डिटेल समझिएगा। पुरुष में देखिए कितने होंगे, 44 यानी 22 जोड़ी इनमें होंगे, प्लस होते हैं एक्स वाई। क्या होते हैं, एक्स वाई। महिला में होते हैं 44 प्लस होते हैं एक्स एक्स। क्या होते हैं, एक्स एक्स। जरा समझिए, महिलाओं में इन्हें बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। महिलाओं में बनते हैं अंडाणु और पुरुष में बनते हैं शुक्राणु, वृषण में बनते हैं। ये कहां बनते हैं, अब जरा देखिए यहां पर, जब आप इन्हें तोड़ेंगे तो पुरुष में ये हो जाएंगे 22 प्लस एक्स और आएंगे 22 प्लस वाई। देखिए, क्योंकि 44 तो कॉमन है तो 22 22 हो गया और एक के साथ एक्स, एक के साथ वाई। लेकिन यहां जब आप इसे तोड़ेंगे तो आएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। इस तरीके से ये टूट जाते हैं जब निषेचन होता है। निषेचन मतलब जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, शुद्ध भाषा में आइए तो, अब जब बच्चा पैदा होता तो कैसे होगा सर, पुरुष के एक मिलेंगे और महिला के एक मिलेंगे। ठीक है सर, अब पुरुष के कितने हैं, जरा देखिए, पुरुष के हैं 22 प्लस एक्स वाला मान लिया, ये मिला, जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये वाला, और महिला का ये वाला मिला सर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां 22 और 22 हो जाएंगे सर 44 और प्लस में हो जाएगा एक्स एक्स, यानी लड़की हो गई सर। ये देखिए 44 प्लस एक्स एक्स यानी क्या हो गई, लड़की हो गई। फिर अगर आप और समझे, मान लिया इसका पुरुष का 22 प्लस एक्स एक्स, इसका ये, लड़की में तो 22 प्लस एक्स ही मिलेगा। लड़कियों में क्या मिलेगा, 22 प्लस एक्स। लड़कों में यानी पुरुषों में या तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा, और अगर एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, अगर वाई मिलेगा तो लड़का होगा। यानी अगर आप सही से समझे सर, तो यानी महिलाओं का कोई रोल नहीं है, महिलाओं में दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए महिलाओं को कहते हैं समयुग्मकी। क्या कहते हैं, समयुग्मकी, क्योंकि समान है, ये भी 22 प्लस एक्स है, ये भी 22 प्लस एक्स है। पुरुषों को कहते हैं विषमयुग्मकी, क्यों, क्योंकि ये 22 प्लस एक्स है और ये 22 प्लस वाई है, दोनों में फर्क अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं विषमयुग्मकी और ये कहलाते हैं समयुग्मकी। यानी जिनमें युग्मक समान होते हैं वो समयुग्मकी कहलाते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न होते हैं वो विषमयुग्मकी कहलाते हैं। अब जो अपना क्वेश्चन था कि महिलाओं को दोष दिया, गांव में कह दिया हमारी जो बहू है उसके यहां पर तिल है, या हमारी बहू के जो यहां रेखाएं, कोई मतलब नहीं इन सब बातों। साइंस ये बात सिद्ध कर चुकी है कि महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला तो 22 प्लस एक्स वाला ही देगी, चाहे ये वाला दे या ये वाला दे। यानी सारा का सारा खेल डिपेंड करता है पुरुष पे। अगर इससे 22 प्लस एक्स वाला मिलेगा तो ये लड़की होगी, और 22 प्लस वाई वाला मिलेगा तो ये लड़का होगा। ठीक, तो आप लिख देंगे नहीं, जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि क्या क्वेश्चन है, कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, क्या यह सही है। तो आप लिखेंगे नहीं, यह सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यह डिपेंड करता है लड़के या लड़की का होना पुरुष के युग्मक पे, ना कि महिलाओं के। चाहता आप थोड़ा सा बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इनमें जो शुक्राणु होते हैं वो इस तरीके से, इसमें अंडाणु होते हैं, जब ये मिलते हैं इस तरीके से आप डिटेल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझा पाए होंगे। ठीक है, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर बहुत सारा काम होने वाला है। इस चैनल पर भी नया बनाया गया, ये चैनल आपकी मदद के लिए, सिर्फ साइंस रिलेटेड ही इस पर वीडियोज आया करेंगी। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन भी है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बस दोस्तों, इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।